उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला हो रही है। इस बार की रामलीला में 42 से अधिक फिल्मी सितारे मंचन करने वाले हैं। अयोध्या में श्री राम ऑडिटोरियम में ये रामलीला आयोजित हो रही है। ये रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी, जिसको लोग वहां पहुंचकर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक देख सकते हैं। वहीं घर बैठे लोग दूरदर्शन पर लाइव भी देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के संरक्षण की वजह से हाथरस कांड की चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद बसपा ने सबसे पहले भोले बाबा की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा है। इसे लेकर राजनेता केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, जातिवाद गणना विपक्ष के लिए नया मुद्दा होगा, हमारे लिए नहीं। सपा कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इसे क्यों नहीं कराया। नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र का आज पहला दिन है। घरों मंदिरों में घट स्थापना के साथ मां अपने दरबार में विराजेंगी। अगले 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। पूर्व संध्या पर बुधवार को मां के स्वागत में शहर के सभी देवी मंदिरों में भव्य सजावट की गई। देर रात तक बाजारों में रौनक रही। पूजन सामग्री, मूर्तियों और फलों की दुकानों पर खूब भीड़ रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को मुफ्त बंटने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी जारी है। मामले में बुधवार रात जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने सुपरवाइजर अनीता सहित 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और निलंबित कर दिया है, तो वहीं मंगलवार को 4 कार्यकर्ता निलंबित की गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में नवरात्र उत्सव आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारी कर ली है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि मंदिरों के आसपास से थाना पुलिस रहेगी। ये व्यवस्थाओं के साथ संदिग्धों पर नजर रखेगी। इसके अलावा प्रमुख मंदिरों में सादा कपड़ों में पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। बाजारों में भी फोर्स रहेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लद्दाख को बचाने की कोशिश अपनी सीमावर्ती जमीन को बचाना ही है। अगर चारागाह पर धीरे धीरे दूसरों का कब्जा होता जाएगा तो लद्दाख के पश्मीना चरवाहों की भेड़ बकरियां और उनसे जुड़े उत्पाद के लिए घोर संकट पैदा हो जाएगा। इसका सीधा संबंध लद्दाख के समाज के जीवन यापन से जुड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब महंगा हो गया है। आगरा से ग्रेटर नोएडा तक टोल दर में 12% की बढ़ोतरी की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के टोल की दरें दो पहिया वाहन में 40 रुपए और कार और जीप में 50 रुपए प्रति फेरा शामिल है। नई दरें 2 अक्टूबर की आधी रात से लागू हो गई हैं। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सामान्य निकाय गठन के लिए जोर आजमाइश जारी है। मेरठ जनपद की 5 गन्ना समितियों के डेलीगेट का चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। गन्ना समिति सदस्य चुनाव में अपना वोट डालेंगे। डेलीगेट पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में किसी का चुनाव चिन्ह शेर तो किसी का घोड़ा और ऊंट मिला है। कुल 32 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नशे के कारोबार और माफियाओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश को निगल लेना चाहते हैं। ये समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। सीएम योगी ने लोगों को चंड और मुंड बताया और कहा कि महिषासुर की तरह ये युवाओं की जवानी छीन रहे हैं।